a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर आप कभी भी कोई बीज जो है उसे जमीन में दबाकर पेड़ बनाने के लिए लगाते हो तो देखते हो उसको उगने में काफी समय लगता है. This may be for several days, weeks, months and in some cases years. और ये जो बीज है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो किस थोड़े दिनों में निकल आए या हफ्तों में निकले या महीने लगे या कभी कभी होता है साल लग जाए. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. अब इससे ये पता चला कि जब लोग पेड़ उगाने लग गए तो उसके लिए उनको एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक रुकना पड़ा ताकि वो पेड़ की देखभाल कर सके, उनको पानी डाल सके, उनकी गुड़ाई कर सके, यहाँ तक कि जो जानवर और चिड़िया थी उनसे भी उन पेड़ों को बचा सके जब तक कि जो अनाज है वो पूरी तरह पक ना जाए. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली. और फिर उसके बाद जो अनाज पैदा हो उसका इस्तेमाल जो है ध्यान से करना है. एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. अब क्योंकि उन्हें पता चला कि ये जो अनाज है इसका इस्तेमाल खाने में भी करते हैं और दोबारा बीज की पैदावार के लिए भी करते हैं तो फिर इसलिए हम इसको संभाल के स्टोर करना पड़ेगा, यानी एक जगह रखना, इकट्ठा करना पड़ेगा. अब कहाँ इकट्ठा करें ये भी सोचना था. इन मेनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड. अब इन्होंने जो है स्टोर करने के लिए क्या क्या सोचा, कहीं पर वो जो है बड़े बड़े मिट्टी के घड़े बनाने लग गए, कहीं कहीं उन्होंने बास्केट्स बनाई या फिर क्या कहते हैं जमीन में ही बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया. डू यू थिंक हंटर गैदरर्स हैव वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. अगर आपको लगता है कि हंटर गैदरर्स जो थे उन्होंने भी बनाए और यूज किए इन पॉट्स को तो अगर आपको लगता है तो उसके बारे में आपको एक रीजन देना पड़ेगा. स्टोरिंग एनिमल्स. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. एनिमल्स जो हैं अपने आप ही मात्रा में बढ़ जाते हैं. Besides, if they looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. और दूसरा, अगर हम इन्हीं जानवरों की देखभाल अच्छे से करें तो क्या होगा, वो हमको दूध देंगे जो कि हमारे खाने का और मीट का एक अहम हिस्सा है जब भी जरूरत होती है. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन एनिमल्स को हम देखभाल कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो वो जो है एक फूड का बहुत बड़ा स्टोरेज है. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? आप ये बताओ कि फूड के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं? What are the animals used for today? या आज की डेट में हम जानवरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? Finding about the first farmers and herders. Turn to map 2. अब आप map 2 को देखो. You will notice a number of blue squares. जब आप map 2 को देखोगे, तो उसमें आपको कई सारे blue squares नजर आएंगे. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. अब ये जो blue squares हैं, ये mark कर रहे हैं उस साइट को जहां से एविडेंसेस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को कि यहाँ पर किसान या चरवाहे रहते थे. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. और ये भारत के या सब कॉन्टिनेंट के पूरे हिस्से में मिलेंगे. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया. और बहुत ज्यादा जो मिले हैं वो नॉर्थ वेस्ट इलाके में या जो हम इसको कश्मीर कहते हैं या फिर ईस्ट और साउथ इंडिया में मिले हैं. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence. अब ये जानने के लिए ये जो sites मिली हैं, क्या यहाँ पर farmers और herders रहते भी थे? तो scientists ने जो है उसकी खोज के लिए वहाँ की plants और animal bones को study किया है. One of the most exciting finds include remains of the burnt grain. सबसे ज़्यादा वहाँ पर exciting fact मिला. वो मिला एक जला हुआ अनाज के जो बची हुई राख होती है वो वहां मिली. These may have been burnt accidentally or on purpose. अब ये नहीं पता कि अचानक से आग लग गई या purposely लगाई गई. Scientists
can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा अनाज है और जिससे हमें ये पता चला कि कई तरह के क्रॉप्स जो हैं वो पूरे पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के ग्रो किए जाते हैं. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. यहाँ तक वो ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से जानवर जो होते हैं उनकी अलग अलग बोन्स कैसी होती हैं. लुक एट द टेबल बिलो टू सी वेयर एविडेंस ऑफ ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड. अभी जो टेबल नीचे दी गई है इसको आप देखोगे तो ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर उनको अनाज और हड्डियों के जो कि डोमेस्टिक जानवर थे उनके मिले. टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स. आर्कियोलॉजिस्ट को कई जगह झोपड़िए और मकान भी मिले ऐसी साइट्स पर. फॉर इंस्टेंस इन बर्जहम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेस which were dug into the ground. Burjahom जो जगह है आज की डेट कश्मीर में वो प्रेजेंट है. वहाँ के लोग जो हैं वो गड्ढों में अपने घर बनाते थे. With steps leading into them, मतलब जमीन के नीचे अपने घर बनाते थे और सीढ़ियों से उसके अंदर जाते थे. These may have provided shelter in cold weather, जिससे उनको जो है ठंड में अपने आप को बचाने की पूरी एक प्रोविजन मिलती थी. उससे वो सेफ भी रहते थे और ठंडक भी कम लगती थी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स व्हिच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग अपॉन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स. और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको भट्टियां भी मिली हैं चाहे घर हट के अंदर मिली हो या हट के बाहर, जिससे ये पता चलता है कि लोग जो हैं वहां पर वेदर पे डिपेंड करते थे कि अगर गर्मी का मौसम है तो वो बाहर आकर अपना खाना बना लें और अगर सर्दियां हैं तो वो अपने घरों के अंदर खाना बना लें. अब इस बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन है कि आप भी एक पिट हाउस को ड्रॉ करने की कोशिश करो. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. और कई साइट से जो है फिर से बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. अब क्योंकि ये जो स्टोन टूल्स मिले हैं ये पैलियोलिथिक टूल्स से थोड़े डिफरेंट हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया नियोलिथिक. दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज. और अब ये जो टूल्स मिले इनकी जो है धार जो है तेज करने के लिए बहुत अच्छे से उनकी चमकाया गया है, उनकी धार तेज की गई है. एंड द मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. और काफी सारे कोफ्तार और क्या कहते हैं पेस्टलेस जो है यूज किए गए हैं ताकि जो ग्रेन है यानी जो अनाज है उसको पीसा जा सके या जो दूसरी प्लांट प्रोड्यूस है उसको पीसा जा सके. मोर्टार्स एंड पेस्टलेस आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर. मोर्टार्स और पेस्टलेस जहां तक उम्मीद है ये चक्की है और इस चक्की का इस्तेमाल जो है वो ज्यादातर अनाज को पीसने के काम में लेते थे आज से कई हजार साल पहले. एट द सेम टाइम्स टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड. और जो टूल्स थे जो पैलियोलिथिक टाइम में यूज हुए जाते थे वो भी आज की डेट में इस्तेमाल करे जाते हैं और बनते भी हैं. एंड रिमेम्बर सम टूल्स आर आल्सो मेड ऑफ बोन्स. और इसमें कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो कि बोन्स यानी हड्डियों से बनाए जाते थे. Many kinds of the earthen pots have also been found. बहुत सारे मिट्टी के घड़े मिले हैं. These were sometimes decorated and were used for storing things. ये जो है इनके ऊपर decoration यानी डिजाइने बनी हुई थी और इनको ज्यादातर जो है चीजों को रखने के काम में लिया जाता था. People began using pots. अब जो लोग हैं वो pots बनाने में इस्तेमाल करने लग गए, इन्हें cooking food के लिए लेने लग गए. Specially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. या जैसे हम कहते हैं चावल है, गेहूं है, दाल है, इसको उबालने के लिए जो है इन घड़ों का इस्तेमाल होने लग गया. Besides, they began weaving cloth using different kind of material, for example cotton, that could now be grown.
और इसके अलावा वो जो हैं कपड़े को वीव करने के लिए या क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करने लग गए। जैसे सबसे पहले उन्होंने कॉटन का इस्तेमाल किया जिसको कि आज हम उगा भी सकते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? तब ये सारी चीजें क्या एक दिन में बदल गई और हर जगह बदल गई? नॉट क्वाइट, नहीं ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गेदर फूड एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। कई जगहों पे भी ऐसे अभी लोग थे जो आज की डेट में भी हंटिंग कर रहे थे और घूम घूम कर खाना इकट्ठा कर रहे थे, और कुछ जगह ऐसे हो गए थे जिन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग को अडॉप्ट कर लिया था। पर ये जो है इन सब चीजों को होने में कई हजार साल लग गए। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजंस। और कई जगहों पे तो लोगों ने क्या कोशिश करी कि इन सारी एक्टिविटीज को एक साथ मिला के अलग अलग तरहों पे अलग अलग मौसम में इनका इस्तेमाल या अलग अलग चीजों पे इनका इस्तेमाल करके देखा जाने लग गया। What about other customs and practice? Archaeology does not tell us directly about these. अब जो archaeology है वो directly हमें इसके बारे में नहीं बताती। Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. अगर जो scholars हैं उन्होंने आज के जो farmers हैं उनकी जब lives को पढ़ा समझा तो उन्हें पता चला कि वो बहुत simple farming करते हैं। They have also studied the lives of herders. सेम इसी तरह से उन्होंने जो गडरिये होते हैं चरवाहे होते हैं उनकी लाइफ के बारे में भी स्टडी करी। मैनी ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। बहुत सारे जो किसान हैं या जो हर्डर्स हैं यानी चरवाहे हैं या गडरिये हैं ये सब जो हैं एक ग्रुप बनाकर रहते हैं जिसको कि हम ट्राइब कहते हैं। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टन कस्टम्स एंड प्रैक्टिस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। और उन्होंने ये पता लगा या पता कर पाए वो कि उन लोगों के भी अपने कुछ एक कस्टम्स हैं अपने रिचुअल्स हैं अपनी प्रैक्टिस हैं जो कि पहले जमाने में भी हुआ करती थी और वो आज भी उसको जो है फॉलो करते हैं।